राफेल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने को लेकर ज्वाली के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्वाली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज व जिलाध्यक्ष रमेश राणा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से राफेल के मसले पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया तथा इसके लिए देशवासियों से माफी मांगने की मांग उठाई है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज होने के बाद भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा राफेल विमान सौदे के मसले पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है, डील में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अदालत के फैसले राहुल गांधी द्वारा बोले गए झूठ की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर जिला कांगड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व में हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो बार बार अनर्गल आरोप इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा रहे थे। और बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि राफेल की डील में सौदा हुआ है और हमारा चौकीदार चोर है, और वो जनसभाओं में ये नारे लगवाते थे। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनर्गल आरोप लगाना राहुल गांधी छोड़ दें और उनको माफी मांगने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको प्रताड़ना की थी उनकी, और उसके बाद देश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को पहले 282 सीटें थी, देश की जनता ने इन आरोपों के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को 310 से अधिक सीटें देकर दिल्ली पहुंचाया था। लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर भी उन्होंने बस नहीं की, फिर एक रिव्यू पटिशन दाखिल कर दी, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, और उसका भी रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल जो परसों निर्णय दिया है उसमें कहा है कि बिल्कुल पारदर्शिता से काम हुआ था, कोई ऐसी डील नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस के लोगों शर्म करो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय किया है कि आज पूरे देश में हर जिला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर कांग्रेस को कहेंगे और कांग्रेस के उस निवर्तमान अध्यक्ष को कहेंगे कि जो आपने अनर्गल आरोप लगाए थे उन आरोपों पर शर्म करते हुए पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए, इसलिए आज हम सब योगी यहाँ इकट्ठे हुए। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।